आज बन रहे हैं तिल के लड्डू। ये मैंने आधा किलो तिल लिए हैं, थोड़े ज़्यादा ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि संक्रांत आ रही है तो ओकेजन है, मुझे देने हैं। और ये तिल भुन रहे हैं, हल्के हल्के घी डाल दिया मैंने इसमें। और ये मैंने चार गोले कस कर ले लिए हैं, गाजर का हलवा भी बनेगा, गाजर मैंने कस के रख दिया, तो ये गोले कस लिए, इन्हें मिक्सी में चलाऊंगी अभी। और ये है बूरा 2 किलो, और ये सब किचन अभी फैली हुई है तो अभी देखते हैं। इसी में मैं बूरा में ही डाल दूंगी सब तिल और ड्राई फ्रूट वगैरह। तिल को हल्का सा कलर चेंज होने तक पका लेंगे, मतलब भून लेंगे थोड़ा सा। और मैंने घी भी ठीक घी रखा है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। अभी कलर चेंज होने लग गया इनका। ज्यादा काले हमें नहीं करने, बस हल्के से फ्राई करने। और इसी में ये है जो खरबूजे की गिरी, इन्हें भी मैं साफ करके इन्हें भी घी में भून लूंगी। और जो भी ड्राई फ्रूट मिक्स में डालूंगी वो सब घी में ही भूनेंगे, इससे लड्डू ज्यादा दिन चलते हैं। तिल तो ऑलमोस्ट भुन गए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हल्का सा कलर चेंज हो गया है तिल का, बस इतना ही हमें भूनना है ना। और ये साबुत काजू थे तो मैंने इस तरह पन्नी में डाल लिया इनको, और ऐसा हल्के हल्के से, ये खलबत्ते की जो मूसली होती है उससे हल्के हल्के, ना तो ये ज्यादा बारीक पाउडर बनेगा और ना ज्यादा मोटे मोटे रहेंगे, काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह आपको दिखते भी रहेंगे कि कौन सा टूट गया कौन सा नहीं टूटा है। तो इस तरह मैं तो ऐसे ही करती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इनके अच्छे, और चूरा भी नहीं होगा, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में बना देते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ड्राई फ्रूट थोड़े मुंह में आने चाहिए। तो देखो ये इस तरह हो जाते हैं टुकड़े टुकड़े, ये लड्डू में अच्छे लगते हैं, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ये खरबूजे के बीज और किशमिश भी मैं ले लूंगी, सब चीजों को एक साथ भून लूंगी। पहले मैं तिल डाल देती हूँ इसमें भगोने में, इनमें से थोड़े से तिल मैं बचा लूंगी, उसमें मैं बना गुड़ के लड्डू। थोड़ा सा घी डाल लेंगे कढ़ाई में, इस तरह गैस ऑन कर देंगे, मंदी रखेंगे मंदी, और इसमें डाल देंगे ये वाले हमने जो खरबूजे के बीज लिए हैं। इसी में डाल देंगे काजू, ये मैं बाद में डाल दूंगी, ये थोड़े भून जाएंगे नहीं तो किशमिश जल जाएगी। इनको हल्का सा भून लेते हैं, ड्राई फ्रूट मैंने भून के इसमें डाल दिया, काजू और मगज के बीज और किशमिश। अब हम भूनेंगे बेसन, ये मैंने इसमें डाल दिया आधी किलो बेसन, भूनूंगी मैं तो आधी किलो के आसपास ही मैंने इसमें घी डाल दिया है, तो हल्का सा पिघल जाएगा, फिर इसमें हम बेसन डाल लेंगे। और घी इतना ज्यादा जमा हुआ है, मैंने इसमें डाल दिया आधा किलो बेसन, घी पिघल गया है लगभग, और भून तल लेंगे। और अगर कम पड़ेगा घी तो फिर बाद में हम इसमें मिक्स कर लेंगे। बेसन भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो पहले भून लेते हैं बेसन को। बेसन भुन चुका है और अब हम इसे डालेंगे इसमें तिल वाले मिश्रण में। मैंने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा घी, अरे मैरिज हो जाएगा घी,
उसके बाद में इसमें फ्राई कर दूंगी सारा। ये दो आलू गिर लो, मुझे सुनना मुझे बुरा लग रहा। और क्या बनाओगी? तो और ये काम मैंने शाम के समय किया था, तो फिर खाना भी बनना था, तो मैंने पायल को बोला कि आप खाना बना लो, तो वो सब्जी सेलेक्ट कर रही है कि उसको क्या बनाना है, तब तक मैं लड्डू बांध लूँगी। ये मैं सकट से एक दिन पहले कर रही हूँ काम लड्डुओं का, तो सकट वाले दिन अपना फिर आराम से थोड़ा सा ये हो जाता है ना, व्रत रखते हैं तो फिर बनाना पड़ता है, तो बस थोड़े से तिले चटकाने रह जाएंगे, तो मैं लड्डू बांध लूँगी, तब तक पायल खाना बना लेगी, तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और ऐसे ही बहाने होते हैं बच्चों से काम कराने के कि भाई जब आप कुछ और कर रहे हो तो उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि हम पे बर्डन डाल दिया कि आप खाना बनाओ, तो उन्हें पता है क्योंकि आप भी बिजी हैं, तो इस बहाने बच्चे आराम से काम कर लेते हैं और ऐसे ही सीख भी जाते हैं। ये अच्छा तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, जब आप बिजी हों तो बच्चों से कहिए कि आप वो आपके साथ काम करें, मदद करें आप। बन गए सारे लड्डू, अब करते हैं साफ सफाई। और ये वाले लड्डू मैं गुड़ से बना रही हूँ, गुड़ तिल, लेकिन जब मैंने ये गुड़ पिघलाया ना गैस पे कढ़ाई रख के, तो मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बस ऐसे मैंने गुड़ को थोड़ा सा बारीक बारीक काट के और इसमें बिना पानी डाले ऐसे ही कढ़ाई में पिघला लिया था, बहुत खदका नहीं लगाया गुड़ में, बस सिंपल ऐसे ही पिघला लिया था। और उसके बाद इसमें तिल डाल दिए, गोला डाल दिया थोड़ा सा, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, और इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा के अपने हाथ पे तब बना रही हूँ, ताकि ये गुड़ मेरे हाथ पे चिपके ना, तो हल्का सा घी मैंने निकाल के अलग रख रखा है, तो उसे हाथ पे लगा लेती हूँ। और ये बिल्कुल गरम गरम है अभी, तो इसलिए लड्डू थोड़े से राउंड शेप में नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़े से देर बाद ही टाइट हो जाता है गुड़, और बड़े अच्छे लगते हैं लड्डू खाने में भी। अगली बार मैं अगर बनाऊंगी गुड़ पिघलाते हुए भी वीडियो पूरी बनाऊंगी। और ये भी देखो कितना सख्त हो गया है, तो ये गरम गरम ही बांधने पड़ते हैं, ये इस तरह हो जाता है जैसे गुड़गट्टा बनाते हैं उस तरह से। और इसमें भी मैंने वो सब चीज़ें डाल दी हैं, तिल भी मैंने जब बूरा में डाले थे तो अलग ही रख लिए थे, और पायल ने आलू गाजर की सब्जी बनाई है, तो सीटी भी लग रही है कुकर में साथ साथ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।